छोटी है, 200 बाट में इन्होंने दिन भर का दिया है। अभी हम जा रहे हैं पटोंग बीच, पीछे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, और आज पटोंग बीच एक्सप्लोर करेंगे और लोकल मार्केट वगैरह घूमेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे हमारा थाईलैंड में। कल क्योंकि हमें जाना है, मुझे मलेशिया जाना है और इसको वियतनाम जाना है, तो आज जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, हो सकेगा हम लोग कर लेंगे एक्सप्लोर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो आखिर मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस, बताऊँ बीच का। और ये स्कूटी मैंने हायर किया था आज दिन भर के लिए 200 बाद में। तो ये लोकल फुकेट मार्केट है, अभी और भी एक्सप्लोर करेंगे, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ये पीछे का नज़ारा देखिए आप, ट्राई
तो गाइज मैं पटोंग बीच पहुंच चुका हूं, अभी जस्ट पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो बारिश हो रही थी, तो 5-10 मिनट उधर ही वेट कर रहा था, उसके बाद सामने आया। ये भी वैसा ही है जैसा आपने मेरी पटाय वाली वीडियो देखी होगी ना, सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। यहाँ पे भी आपको बीच के जस्ट उस साइड है ना रेस्टोरेंट वगैरह, अभी मैं आपको दिखा दूँगा, रेस्टोरेंट, मसाज पार्लर सब कुछ है, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। बाकी ये बीच पे आप एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और बहुत सारी जो एडवेंचरस एक्टिविटी होती है जैसे जेट स्की हो गया, उसके बाद पैराग्लाइडिंग हो गया जो वाटर में करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आपको मिलेंगे बीच के पास जो कि ये सब रिजनेबल प्राइस पे कराते हैं, तो आप नेगोशिएट करके अपना कर सकते हैं। ये देखिए जेट स्की का प्राइस भी लिखा हुआ है, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हो, कैसे आप उसे बता सकते हैं। बाकी आप ये पीछे नज़ारे देखिए मेरे, कैसे आपको लग रहे हैं। ये भैया अभी जेट स्की का प्राइस बता रहे हैं, आई विल लेट यू नो जस्ट। यहाँ पे है ना बहुत सारे लोग चिल करते हुए दिखेंगे बीच पे, बीच पे तो है ही, हालांकि ये लास्ट डे है मेरा, तो ये थोड़ा ये छूट रहा था, तो मैं सोचा ये भी कवर कर ही लेता हूँ वीडियो में, इसके बाद थाईलैंड वाली वीडियो मैं स्टॉप कर दूँगा, बाकी दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी यहाँ भी वही है बीच पे जैसा होता है, ऑलमोस्ट सेम ही है पटाया बीच के जैसा। पटाया बीच आपने अगर वीडियो देखी होगी पटाया बीच वाली, तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, हालांकि यहाँ पे वेव ज़्यादा है, वहाँ पे वैसा नहीं था, वहाँ पे कांस्टेंट था वाटर। अभी चलते हैं आगे फिर। ये बीच के जस्ट सामने ही जो रोड है ना, उसमें बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, बहुत कुछ है, तो अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं भैया, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी अगर करना चाहते हो ना, तो उस पर आप नेगोशिएट ज़रूर करें, क्योंकि ये लोग बहुत हाई प्राइस पे आपको ऑफ़र करेंगे। जैसे कि आपको ये 2000 बोल रहे हैं, तो आप सीधा 1000 बोलिए, 1200 बात बोलिए, ऐसे नेगोशिएट कीजिए, तो आपके पैसे बच जाएंगे। बाकी यार कल मुझे मलेशिया निकलना है, उसका भी मुझे पता करना पड़ेगा कि RT-PCR चाहिए या नहीं चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, मैंने देखा भी नहीं है, अभी जाके ही देखूँगा। यहाँ पे आपको बीच के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट और खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो अगर आप मे भी भूखे हैं तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चिल कर सकते हैं पानी में जाके, नहा भी सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे देखिए पानी के अंदर नहा भी रहे हैं। मैंने स्कूटी रेंट कर लिया आज दिन भर के लिए, स्कूटी का उन्होंने 200 बात लिया है, बाकी 50 बात का मैंने उसमें पेट्रोल डलवा लिया है, तो वही है पेट्रोल डलवा दिया। अब यहाँ से चलते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। ये जो है ना मोस्टली मैंने एक्चुअली रूम लिया था आपको ओल्ड टाउन में, फुकेट ओल्ड टाउन में, और ये दूसरा एरिया है, मतलब कि ये न्यू टाउन है आई थिंक फुकेट का, ये बीच बीच यहाँ पे वो वाला जो एरिया है वो थोड़ा कॉस्टली था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसी एरिया में आप रूम लें जब भी आप फुकेट आए नियर पटोंग बीच के अराउंड, क्योंकि जब आपने पिछली वीडियो अगर देखी रही होगी जो कि मैंने फीफी बीच और मायाबे बीच का बनाया था, तो वो वहाँ के होटल से लगे थे, तो वो उतना कोई बड़ा इशू नहीं है, कहीं से भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी पैकेज बुक करेंगे ना आपको 100-200 बात का ही डिफरेंस मिलेगा, सो इट्स नॉट के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। ये बीच के जैसे बाहर आएंगे ना आप, ये पीछे रहा बीच पटोंग बीच, सामने आपको ये रेस्टोरेंट दिखेगा और सामने बहुत सारा स्पा दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ,
जितने भी स्पा हैं ना यहाँ पे, ये देखिए रेस्टोरेंट है। हालांकि हम तो खा के ही आए थे अपने होटल से, तो खाएंगे तो नहीं, बाकी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे बहुत सारा स्पा सेंटर है पटोंग बीच के जस्ट सामने, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, आप नेगोशिएट करके मसाज वगैरह ये सब करा सकते। नो थैंक यू, करा सकते हैं। ये पीछे देखिए, ये फुकेट भी बहुत अच्छा टाउन है, मतलब कि वेल डेवलप्ड और बिल्कुल साफ़ है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए। अब मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे जितने सारे स्पा हैं ना फुकेट में, दिखा देता हूँ। ये पीछे देखिए, यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी है और फ्रूट्स वगैरह का शॉप है, जूस कॉर्नर है। ये अगर टूर इन्फॉर्मेशन सेंटर दिख रहा है आपको, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है ना यहाँ पे कुछ जानकारी देने में, तो यहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं, पूछने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी ये सामने स्पा सेंटर है, विल कम लेटर। ओके थैंक यू। सामने बहुत सारा स्पा है, ये स्ट्रीट फूड है। थाईलैंड का स्ट्रीट फूड ना गाइस बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप एक बार तो ज़रूर कराइए। यहाँ पे बहुत सारा स्पा है, आप देख सकते हैं स्पा सेंटर पीछे आपको दिख रहा होगा। हाउ मच? $300 5 massage 150. Where you come from? India. Welcome to Thailand. Welcome to Phuket. Thank you so much. So very beautiful. Hope to see you, ne? Yeah. Yes. लोग बड़े फ्रेंडली हैं यहाँ पे ना, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पहले ही बता देंगे कितना चार्ज लगेगा, ताकि आप ज़्यादा नेगोशिएट ना करो, लेकिन आप करा सकते हो नेगोशिएट, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह ले सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? थैंक यू। आई ऑलरेडी विजिटेड ऑल दैट प्लेसेस, दिस इज द लास्ट डे इन हियर। When you go tomorrow or today? Tomorrow. What yeah. time? In the morning 11. In the morning 11. Yeah. You book taxi? I live in old town. Old town. I came here with a scooty. Oh, nice. Where is scooty? Where? In the beach. Oh, okay. Not in the beach. Just walk and take video. Yeah. Okay. Thank you. See you. Thank I'll you. Come back again. Sure. I will definitely.